हेलो एंड वेलकम है गाइज, एक बार फिर से आप सभी लोगों का फैप्टक यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसने सिर्फ 2 दिनों में ही 1 मिलियन डाउनलोड क्रॉस कर लिए हैं। बिल्कुल गाइज, एप्लीकेशन का नाम है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, रिमूव चाइना ऐप। इस ऐप के बारे में हम बात करेंगे, पूरी डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। बात करेंगे कि यह ऐप किस कंट्री की है, और साथ ही में हम बात करेंगे कि कितनी इसकी रेटिंग है और कितनी इसके डाउनलोड है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, सीमा संबंधी मुद्दों को लेकर भारत और चीन के बीच पिछले कुछ हफ्तों में राजनीतिक तनाव जो है वो बढ़ गया है, जिसके बाद से देश में चीनी विरोधी भावनाएं पैदा हुई हैं। इन मुद्दों के बीच इसी महीने यार शुरुआत में जो है 30 मई को जयपुर की वन टच ऐप्स एबएप्स नाम की जो स्टार्टअप कंपनी है, रिमूव चाइना ऐप नामक एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। जैसे कि नाम से ही इसके पता चलता है कि चाइना ऐप को हटा दें तो पूरी तरह से उपयोगकर्ता जो है, जो यूज़र है फ़ोन को इंस्टॉल चीनी ऐप का, उसको पता लग जाता है और उन्हें जो है उसको हैंडसेट से अनइंस्टॉल करने के इजी मेथड ये ऐप जो है वो प्रोवाइड कराता है। और यार इस ऐप की जो बढ़ती लोकप्रियता है वो पूरी तरह से साफ है गाइज। ये गूगल स्टोर पर जो है सबसे ऊपर फ्री ऐप की लिस्ट में जो है वो दूसरे रैंक पर था, लेकिन इसको जो है अभी गूगल द्वारा इस लिस्ट से जो है वो हटा दिया गया है। तो इसकी यार जो रेटिंग है वो अभी 4.8 की है, और जो ये वीडियो बनाते टाइम इसके जो डाउनलोड है गाइज वो 1 मिलियन जो है पार कर चुका है। तो फाइनली चलिए यार गाइज, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता है कि आपके फ़ोन में कौन कौन से एप्लीकेशन जो हैं वो चाइनीज ऐप हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये आपकी हेल्प करेगा। तो बताता हूँ कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे रिमूव चाइनीज ऐप मेरे पास है, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं लिंक नीचे दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलो फिलहाल मैं बताता हूँ कि यूज आपको कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको रिमूव यहाँ पर चाइनीज ऐप पर जाना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद यहाँ पे ना स्कैन नाव का ऑप्शन आता है, तो स्कैन नाव पे आपको क्लिक करना है। तो सिंपली जैसे स्कैन नाव पे क्लिक करोगे तो देखिए 2 चाइना ऐप फाउंड मेरे फ़ोन में आ रहे हैं, एक टिकटॉक लाइट हो गया, दूसरा यहाँ पे शेयर इट हो गया। तो सिंपली मैं अगर डिलीट करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए आपको डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो सिंपली उसको जो है सीधे अनइंस्टॉल कर देगा यहाँ से। तो जितनी भी चाइनीज एप्लीकेशन है आपके उसमें होंगी तो ये सबके सबको जो है यहाँ से डिलीट कर देगा। तो उसके बाद बता देगा कि कितनी है। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑसम, नो चाइना ऐप फाउंड ऑन योर सिस्टम। तो आप देख पा रहे होंगे यार कैसी ये ऐप है, 2 मिनट में, 2 मिनट क्या, 2 सेकंड का टाइम नहीं लगाती है कि आपके जो फ़ोन में है कितनी चाइनीज ऐप हैं, और आप जो है हर 1 सेकंड में एक एप्लीकेशन को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो आज जैसे आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन तो यार बहुत ही अच्छी बनाई हुई है, और हमारे देश के डेवलपरों के द्वारा ही बनाई गई है। जैसे हमने अभी बात किया जयपुर से हैं, तो काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं यार, इन्होंने ऐसे अभी एप्लीकेशन निकाली। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं यार इस टाइम पर, तो पीएम मोदी जी ने भी खुद कहा है कि इस टाइम पर जो है आप स्वदेशी अपनाएँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके मेड इन इंडिया चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए, और देश की इकोनॉमी और GDP में आपको इस टाइम पर जो है वो साथ देना है गाइज। कहीं ना कहीं आप ये जो है एक देशभक्ति वाला काम होगा। तो आज ही यार अपने फ़ोन से जो है आप जो है चाइनीज ऐपों को हटाइए, और जो है कोई भी चीज़ चाहे आप वो कोई प्रोडक्ट लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं, कोई ब्रांड की कोई भी सामान आप लेते हैं, तो आपको इस टाइम पे जो है मेड इन इंडिया ही लेना है। तो यार अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो सभी को मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो है फॉलो करनी चाहिए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी बात है गाइज। और साथ ही में मैं आपको बता दूँ, नीचे आप देख पा रहे होंगे शेयर दिस ऐप पे जाके आप जो है इसको शेयर भी कर सकते हो ऐप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो सब जाइए यार, सबको जो है शेयर कीजिए इस एप्लीकेशन को। और साथ ही साथ मैं अगर आपको बता दूँ, अगर आप इन एप्लीकेशनों की जगह पर चाहते हो कि आपको अल्टरनेट ऐप मिले इनकी जगह पर, कि आप दूसरा किसको इस्तेमाल करें, तो मैं आपको बता दूँ 1 या 2 दिन बाद मैं इस पर वीडियो बना दूँगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा। तो यार इससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हर चाइनीज ऐप का अल्टरनेटिव चाहते हो या नहीं। तो मैं आपको सारी अल्टरनेटिव ऐप बताऊँगा, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यार, फिर चाहे वो शेयरइट हो या टिकटॉक, मैं सबके अल्टरनेटिव, अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव आपको जो है बताऊँगा जिनको आप यूज़ कर सकते हो गाइज। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, नमस्कार, थैंक यू, और वंदे मातरम, जय हिंद।